नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। YouTube चैनल जहांगीर शेखावटी पर हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। जय जय सियाराम, जय माँ भवानी। बिदासर शहर जिला चूरू में हर बार की तरह इस बार भी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ रामलीला का मंचन शुरू हो चुका है। जी हाँ, नवरात्रा के इस पावन अवसर पर कस्बे में स्थानीय कलाकारों द्वारा भव्य रामलीला का मंचन श्री बिदास रामलीला कमेटी के तत्वावधान में गणगौरी चौक स्थित रामदेव जी मंदिर में दिनांक 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक मनाया जाएगा, जिसमें भव्य रामलीला का मंचन स्थानीय कलाकारों द्वारा इस बार भी बेहतरीन रूप से किया जा रहा है। तो बिदासर में श्री बिदास रामलीला कमेटी के तत्वावधान में ये कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत आज 3 अक्टूबर प्रथम नवरात्रा से संध्या में 8 बजे से शुरू हो चुकी, जिसमें प्रथम पूज्य गणेश भगवान की आरती कर उसके बाद में भगवान शिव भोलेनाथ पार्वती जी माता रानी की आरती कर उसके बाद में माता रानी के विभिन्न रूपों की आरती कर इस कार्यक्रम की शुरुआत है। वो आज रामलीला मंचन रामलीला कमेटी के तत्वावधान में शुरू हो चुकी है। इसमें भव्य राम बारात निकलेगी दिनांक 6 अक्टूबर 2024 को 2:15 बजे दोपहर में गेट परिषद रघुनाथ जी मंदिर से। तो आप बने रहेगा इस चैनल के साथ। जय जय श्री राम, जय माँ भवानी। आप सभी भक्तों के घरों में माँ मंगल करें। सभी भक्तों को नवरात्रा महोत्सव, दशहरा, दीपावली की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। जय जय श्री राम। इस लीला प्रांगण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का मंचन करने हेतु हम सभी इस मंच के कलाकार और दर्शक बंधु यहां उपस्थित हैं। आप सभी का श्री विदास रामलीला कमेटी की तरफ से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। इसमें हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नारद मोह की लीला।
और मैं ये कहना चाहूंगा कि कल की बात में हम जो लीला देखेंगे भगवान की, उस वो लीला तभी पूरी समझ में आएगी जिसने आज की नारद मोहन की लीला देखी है। गणेश जी महाराज की, भगवान शिव जी और माँ दुर्गा की स्तुति हो चुकी है और अब है विधिवत शुभारंभ के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान विजय सिंह जी दर्जी जी एडवोकेट, वो भी मंच पे पहुंचे। और निवेदन करना चाहूंगा इस लीला के संरक्षक के बड़े भाई शंकर जी चौहान से कि वो भी कृपया मंच पे पहुंचे। ठीक है, अब मैं यहां हमारे बीच में विराजमान मानवों का सम्मान करने तो श्री विजय सिंह जी दर्जी इनका सम्मान करने तो हमारी कमेटी के अध्यक्ष भाई श्री विजय दर्जी से निवेदन करूंगा कि वो दुपट्टा पहना करके और श्री विजय सिंह जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और सुशील जी कल और कैलाश जी राठौड़ भी कृपया मंच पे आ जाए। स्वागत के लिए आप हम शब्दों से करते हैं ये जो हमारी इस समिति के संरक्षक हैं उनका अभिनंदन करने हेतु मैं श्री लाल सिंह जी सीओर से निवेदन करूंगा कि पधारे और दुपट्टा पहना के इनका स्वागत करें। और इसके बाद श्री सुशील जी का अभिनंदन करने हेतु रवि मोदी कृपया मंच पे पधार के और दुपट्टा पहना के इनका स्वागत करें। अशोक जी राठौर का अभिनंदन करने हेतु क्षमा चाहूंगा आकर के दुपट्टा बना के इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। यहाँ पे उपसंदन और आपने भगवान श्री राम का है तो फिर ये बहुत कठोर काम है, कठिन है, इसको निभाना भी है। ये मन से करके आप जाएं और हमारी इस समिति को यथासंभव हर भगवान श्री राम की लीला का रसपान करें। जय श्री राम। रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्य राम नाम वरानमे कहो पार्वती क्या सोच रही हो। इस राम को आप सदा ध्यान में रखते हैं, जो मुनि मोक्ष आदि का कथन करते हैं, वे राम को ब्रह्म अनादि कहते आए हैं। जैसी सरस्वती वेद पुराणे सब राम का गुणगान करते हैं और जिनका नाम आप दिन रात आदर से जपते हैं। मैं जड़ बुद्धि स्त्री हूँ, मेरा इसमें कोई अधिकार नहीं, फिर भी मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हूँ। इसलिए हे देवताओं के स्वामी, आप दया करके भगवान राम की कथा मुझे भी सुनाइए। राम की कथा काम धेनु के समान है, इसे आदर से सुनो। राम ब्रह्म है, राम अविनाशी, राम तीर्थ गंगा और काशी,
राम नाम कष्ट काटन हारा, इसे रटो मत करो विचार। भगवान राम ने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया, आप यह मुझे समझाकर कहें ताकि मैं भी सब कुछ जान सकूं। पार्वती, भगवान राम का चरित्र मान सरोवर के समान पवित्र है। इस राम चरित्र को काकभूषण ने बकान कर पक्षियों के राजा गरुड़ को सुनाया, वही चरित्र तुम अब सुनो। एक बार देव ऋषि नारद हिमालय पर विचरण कर रहे थे। नारायण 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 क्या ही मन को लुभावने वाला सुहावना समय है, ध्यान भी कितना उपयुक्त है, सब और शांति ही शांति है। बस कुछ समय ध्यान में बिताएंगे, दया से पार होते हैं, हजारों के लिए इसके खुले भंडार होते हैं, हजारों नाम से जिनके परम सुख धाम होते हैं, उसी के ध्यान में अब बैठकर मन को लगाते हैं। नारायण 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 दिखाता है हमें हर बात बात में, उनकी कृपा से पाया है मैंने राज स्वर्ग लोक का, सुख शांति है यहाँ, काम नहीं है अचानक कैसे हिलने लगा, इसके हिलने का क्या कारण हो सकता है, खूब समझा। देव ऋषि नारद हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, शायद वह इंद्रासन छीनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सत्य है महाराज, इंद्रासन का मोह देव देते ऋषि मुनि सबको हो सकता है, और फिर देव ऋषि नारद इंद्रासन के लिए तपस्या करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोचने की बात जरूर है। मंत्री जी, नारद की क्या हिम्मत जो छुए मेरी शान को, अभी बुलाकर काम को दिखाता हूँ मुनि के ज्ञान को। व्यापी हृदय में मगन चल भर आए ने सुर समाज और चिंतित है, क्या आज्ञा है महाराज। कामदेव नारद बैठे आज, जब तक पूरा हो यदि नीचे है ये बात, इंदिरा तन पर ऋषि का होगा अब आगाज, मिले तभी आराम, लेकर सेना साथ तू
जल्दी जाओ यहाँ से, ऐसा यत्न तुम करो। मुनि भागे वहां से। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और देव ऋषि नारद का ध्यान दिखाता हूँ। लेने के लिए बड़ी कठोर तपस्या कर रहे हो, पर मेरा नाम भी कामदेव है। मैं अभी अपनी माया से मैं तुम्हारी तपस्या बंद करता हूँ, कराता हूँ अभी से मैं स्वर्ग के आराम का दर्शन हिमालय की गुफा में, देवपुत्र की धाम का दर्शन दिखाता हूँ अभी इसको मैं। सारा जहाँ अच्छा, पवन अच्छी सगम अच्छा, ऋतु अच्छी समाज अच्छी, स्वामी हमारे लिए क्या आज्ञा है? महाराज की भी ये आज्ञा है कि तुम अब गुरु जी का ध्यान दिखाओ। जो आज्ञा महाराज। मुझको ना राज की इच्छा है, तुम राजा होकर न्याय करो, न्याय ना तुमको सस्ता है, कहना तुम ऊंचे पद पर हो, ऊंची ही बात सुहाती है, मुनियों से वधा उठते हो, क्या लज्जा तुम्हें ना आती है? कामदेव तुम्हारा भ्रम मिट गया, तुम मुझसे पराजित हुए, जाओ और देवराज इंद्र से कह दो कि नारद ने मुझे पराजित किया है। जो आज्ञा महाराज। नारायण नारायण, यह संसार तो झूठा है,
जिस कामदेव को बड़े बड़े देवताओं भी नहीं जीत सके, उसको आज मैंने जीत लिया है। मेरे जैसा संसार में कौन है? अब यहाँ से चलना चाहिए। और सब समाचार शिवजी महाराज सुनाना चाहिए। नारायण नारायण। आइए देवजी, आज तो आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? नारायण नारायण। भोलेनाथ वो कामदेव है ना, जिसने एक बार आपसे हार मानी थी, उसे आज मैंने जीत लिया है। सुना आपने, वह हमारी तपस्या भंग करना चाहता था, परंतु हमने उसका अभिमान भंग कर दिया। आज मैं विजय हुआ हूँ, आज मैंने कामदेव को जीत लिया है। मुनिराज, क्या आपने सचमुच कामदेव को जीत लिया है? हाँ महाराज,